अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह वाहिद से जमा कैसे बनाई जाती है उसकी मुख्तलिफ शक्लें देखेंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर जो पहला हमको टेबल दिखाई दे रहा है उसमें चार अल्फाज हैं और उनकी जमा बनाई गई है। जैसे मैं बताता हूँ, पहला लफ्ज़ है लड़का, तो लड़का जो ये वाहिद है इसमें आखिर में जो अलिफ है उसको हटा के ये लगा के जमा बनाई गई है, तो इस तरह भी जमा बनाई जाती है। जैसे बकरा से बकरे, काला से काले, इस तरह के मुख्तलिफ मिसरा जमा बनाई जाती है कि आखिर में अलिफ को हटा के ये लगाई जाती है और इस तरह जमा बना ली जाती है। परी से परियां, अब परी में जो ये है उसको उसके आगे अलिफ और नून वरना जोड़ दिया गया। लड़की से लड़कियाँ, बेटी से बेटियाँ, कई इससे जमा बनती हैं, लकड़ी से लकड़ियाँ, तो इसमें जो है अलिफ और नून गुना बढ़ा दिया जाता है तो वो जमा बन जाती है। इसी तरह किताब से किताबें बन गया, ये और नून गुना बढ़ा दिया गया, किताब में ये और नून गुना बढ़ा दिया गया, यहाँ पर अलिफ और नून गुना बढ़ाया गया तो यहाँ ये और नून गुना बढ़ाया गया। और ये चिड़िया से चिड़ियाँ जो है इसमें क्या किया गया, सिर्फ नून गुना बढ़ाया गया, यानी चिड़िया जैसा का वैसा रहने दिया गया और उसमें सिर्फ नून गुना बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से थोड़ी सी तब्दीली करके वाहिद से जमा बना ली जाती। अब ये जो खाका दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, इस खाके में हम देखेंगे कि चार अल्फाज यहाँ भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि उर्दू में उनकी जमा बनाई गई और फिर अरबी में उनकी क्या किस तरह जमा बनाई जाती है उसको दिखाया गया है। तो अब हम देखेंगे किताब, तो किताब से उर्दू में किताबें जमा बनाई गई ये और नून के साथ, वही उसको और उस वही जमा अरबी में कुतुब आती है, यानी किताब की जमा कुतुब अरबी में इस्तेमाल होती है, अरबी में किताबें जमा नहीं आती। वैसे ही ख़बर से उर्दू में जब हम बनाएंगे तो ख़बरें बनेगा, ये और नून गुना लगाया जैसे यहाँ लगाया था किताबें में, तो वैसे ही यहाँ भी ये और नून गुना लगाया जाएगा, लेकिन अरबी में जब हम उसकी जमा बनाएंगे तो वह अखबार हो जाएगा। वैसे तस्वीर है, तस्वीरें और तस्वीर, और हालत से हालतें, तो इधर हालात। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि उर्दू में ये और नून गुनने वाली जमा बनाई गई है, चारों भी जो अल्फाज दिए गए हैं वाहिद उनमें क्या किया गया कि उनमें सिर्फ ये और नून गुनना जोड़ दिया गया और जमा बना ली गई, जबकि अरबी में ऐसा नहीं हुआ। अरबी में हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरीक़ों से जमा बनाई गई। जैसे मिसाल के तौर पर पहला किताब है, तो किताब में क्या किया गया कि अलिफ़ को हटा दिया गया और काफ़ के नीचे जो ज़ेर था और ता पर ज़बर था उन दोनों को हटा के काफ़ और ता पर पेश दे दी गई, इस तरह से जमा बनाई गई। तो इस तरह से भी बहुत सी अरबी में जो है वो जमा बनाई जाती है। तो किताब से जैसे कुतुब यहाँ जमा बना ली गई, और जैसे ख़बर, तो ख़बर में क्या किया गया कि पहले खे से पहले अलिफ बढ़ाया गया और बे के बाद अलिफ बढ़ाया गया, तो ख़बर में को अखबार कर दिया गया अरबी में। तस्वीर में क्या किया गया कि सौद के बाद अलिफ बढ़ा दिया गया तो तस्वीर से तस्वीर बन गया, और हालत में ते से पहले और लाम के बाद अलिफ बढ़ाया गया, हालत से हालात बन गया। तो ये जो अरबी में जो जमा यहाँ दिखाई गई है ये उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, यानी ऐसा नहीं है कि उर्दू में सिर्फ किताबें, ख़बरें, तस्वीरें और हालतें ही इस्तेमाल होती है, बल्कि उर्दू में कुतुब, अखबार, तस्वीर और हालात भी इस्तेमाल की जाती है। और बल्कि इसको ज़्यादा बेहतर आप समझ लीजिए कि ये ज़्यादा बेहतर सूरत नज़र आती है जमा की। तो यहाँ ये बताना मकसूद है कि अरबी ज़बान की में जो जमा बनाने का तरीक़ा है उर्दू में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए से, जैसे हमने यहाँ देखा था किताब से किस तरह कुतुब बनाया गया, ख़बर से किस तरह अखबार बनाया गया, इस तरह मुख्तलिफ़ अल्फाज वाहिद अल्फाज से जमा बनाए जाते हैं। अब हम आगे जैसे देखते हैं मिसाल के तौर पर और कुछ अरबी जमाने के जमा बनाने के कुछ और तरीक़े दिए गए हैं। जैसे देखिए मंज़र, तो मंज़र में क्या किया गया कि ज़ोए के नून के बाद अलिफ लगा दिया गया और ज़ोए के नीचे ज़ेर दे दिया गया, तो मंज़र जो है और नून पर ज़बर दे दिया गया। मंज़र में क्या हुआ कि एक अलिफ का इजाफ़ा किया और कुछ हरकतों का इजाफ़ा किया और उससे मंज़र से मनाजिर बन गया। तो अब इसी तरह से और बहुत सारी जमा बनेंगी, जैसे मंजिल से मनाजिल,
मंजर मनाजिर ही के मदर के वज़न वज़न पर ये जमा बनेगी। तो ऐसे कई जो हैं जमा बनती हैं, एक ये वज़न है, इसी वज़न पर कई और अल्फाज आएंगे जो इसी तरह जमा बनेंगे। और जैसे कौकब से कवाकिब, यही मंजर के वज़न पर है। तो इस तरह से कसर से कसूर। तो अब जैसे क्या किया गया यहाँ पर, सौद के बाद वाव लगा दिया गया और काफ और सौद पर पेश लगा दिया गया, तो कसर से कसूर बना दिया गया। जैसे ज़र्फ़ से ज़ुरूफ़ है यहाँ पर, ये भी सेम वज़न है, जैसे कसर से कसूर है वैसे ही ज़र्फ़ से ज़ुरूफ़ बना दिया गया। तो इस तरह से ये भी एक जमा बनाने का तरीका है। अब एक जमा बनाने का तरीका ऐसा है कि महल से महलात, अलीफ़ और ते बढ़ा दिया जाता है आगे, तो उससे भी जमा बन जाते हैं, जमा बन जाती है। जैसे यानी महल में अलीफ ते का इजाफा कर दिया गया, तो इस तरह भी जमा बनाई जाती है। और ज़िक्र से अज़कार, तो ज़िक्र से अज़कार में क्या हुआ कि काफ़ के बाद अलीफ बढ़ा दिया गया और ज़ाल से पहले भी अलीफ बढ़ा दिया गया, तो इस तरह भी जमा बन। जैसे फ़िक्र से अफकार, वैसे ही ज़िक्र से अज़कार। अब ज़र्फ़ और ज़ुरूफ़ ये डबल आया, ये कसर कसूर में जो जमा बनने का तरीका था वही यहाँ भी इस्तेमाल हुआ। सामे से सामेन, अब यहाँ क्या हुआ, ये और नून बढ़ाया गया। जैसे हाजिर से हाजिरीन, गायब से गायबीन, वैसे सामे से सामेन। तो यहाँ पर ये और नून बढ़ा के जमा बनाई गई। अरबी में भी, अरबी में अरबी का जमा बनाने का तरीका है ये, और ये उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। रब से अरबाब, अब इसमें क्या किया गया, रे से पहले अलिफ लगा दिया गया और बे के बाद अलिफ लगाया गया और फिर एक और बे लगा दिया गया, तो यानी दो अलिफ का इजाफा किया गया और एक बे का, यानी एक दूसरे, ये जो दूसरा अरब है बे, इसका इजाफा किया गया। ऐसे ही जैसे अजदाद, ज़िद से अजदाद। तो ऐसे कई अल्फाज, सिर से असरार, सीनरे सिर यानी राज और असरार उसकी जमाए, ये इसी अंदाज़ पे वो जमा बनाई गई। अब तालिब से तलबा, तालिब में के जो अलिफ है उसको हटा दिया गया और आखिर में हे लगाया गया और हरकत तब्दील कर दी गई, तो वो तालिब से तलबा बन गया। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं जमा बनाने के। इस अंदाज़ से हमारे उर्दू में भी यही तरीक़े, इस तरह के तरीक़े इस्तेमाल होते हैं जमा बनाने के। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ आपको यहाँ अल्फाज दिए गए हैं उसकी जमा बनाना है। जैसे मंजिल से हम क्या बनाएंगे, मनाजिल, जैसे यहाँ पर था मंजर से मनाजिर। शहर से शहूर, यहाँ तक कसर से कसूर, उसी वज़न पर शहर से शहूर। ख़याल, अब ख़याल तो यहाँ क्या था, महल, तो महल से अलिफ ते लगा के जमा बनाई गई थी, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी अलिफ ते लगाएंगे। ख़यालात, फ़िक्र से अफकार, जैसे यहाँ ज़िक्र से अज़कार है। अब यहाँ ज़र्फ़ से ज़ुरूफ़, तो रस्म से रसूम। अब हाजिर, अब वहाँ था सामे, सामीन बना था, तो यहाँ हाजिर से हाजिरीन बन जाएगा। वहाँ था रब, और रबाब बनाई बनाए जमा बनी थी, ज़िद से अज़दाद बन जाएगा। यहाँ है फ़कीर और उधर था तालिब, ये थोड़ा अलग अंदाज़ा, यानी ये अलग लफ्ज़ आया, फ़कीर वहाँ तालिब था, तो यहाँ बनेगा फ़ुकरा। ये एक अलग जमा का तरीक़ा है। जैसे फ़कीर, जैसे शहीद से शुहदा, अलीम से, जैसे शहीद से शुहदा, फ़कीर से फ़ुकरा, तो ये इस तरह के, रहीम से रुहमा, इस तरह का ये जमा बनाने का तरीक़ा है। और यहाँ जो था ये तालिब से तलबा, ये एक अलग अंदाज़ है जमा का। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए गए हैं यहाँ पर कि किस किस तरह से जमा बनाई जाती है। तो अब इन तरीक़ों को अगर हम अच्छी तरह जहन में बिठा लें, तो अगर कोई जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हम फ़ौरन पहचान लेंगे कि जमा का है और इसके वाहिद हम तलाश करेंगे। जैसे अगर रसूम आ गया तो हमको जहन में आएगा कि ये कसर और कसूर की तर्ज पर और उसी के वज़न पर ये जमा बनाई गई है, तो इसका वाहिद रस्म आना चाहिए। इस तरह से हाज़रीन अगर हम सुने तो हमको फ़ौरन जहन में आ जाएगा कि हमने जमा बनाने का तरीक़ा पढ़ा था हाजिर से हाजिरीन, तो हम वहाँ तलाश कर सकते हैं। वैसे उर्दू में
जिस तरह अरबी में जो जमा बनाने के कायदे हैं वो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, वैसे ही फ़ारसी में जो जमा बनाने के तरीक़े हैं वो भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फ़ारसी में एक बहुत मशहूर तरीक़ा क्या है कि फ़ारसी में क्या करते हैं कि लफ्ज़ के आखिर में अलीफ़ और नून गुन्ना बढ़ा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बाद बहारां, बहारां में क्या किया गया, अलीफ़ नून गुन्ना बढ़ा दिया गया। तो ये अलीफ़ नून गुन्ना जो बढ़ाया गया बहार से बहारां, तो ये फ़ारसी में, ये फ़ारसी तरकीब है, ये इसको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता। कोहसार से कोहसारां और निगार से निगारां और हम सफ़रों से हम सफ़रां, हम सफ़र से हम सफ़रां, ये उसकी जमा। तो ये इस तरह से अलीफ़ और नून गुन्ना बढ़ाकर भी जमा बनाई जाती है। तो इस तरह से हमने ये आज देखा कि किस तरह से अरबी में जो जमा बनाने के कायदे हैं वो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, और फ़ारसी में जो जमा बनाने के जो तरीक़ा है वो भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। तो उर्दू में अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़मानों के बहुत से कायदे और बहुत से अल्फाज लिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पर दर्ज अल्फाज की जमा बनाई है, तो इसमें आपको क्या करना है कि फ़ारसी जो अंदाज़ है उसी अंदाज़ से बनाना है, जैसे मर्द से मर्दा, जन से जना, चराग से चरागा, शबा, इस तरह से। तो इस तरह से आप सबको अलीफ और नून गुन्ना लगा देंगे तो ये जमा बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको जमा बनाने के ये तरीक़े समझ में आए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।